हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल्स। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स होते क्या हैं और हम इसको फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, हम फॉर्म्स को यूज़ ही क्यों करते हैं। फॉर्म्स हमारे वेब पेज में इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम जो हमारा यूज़र है या जो हमारा व्यूअर है उसकी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। चलिए उससे पहले हम देखते हैं, आज हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे चेंज करेंगे। अभी हम पुराने नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पे काम करते थे, अब हम थोड़ा एडवांस टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। ये है सबलाइम टेक्स्ट। आप यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, sublimetext.com। इसमें यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई भी, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स, OS सबके लिए है। इसके अलावा और भी कई टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे कि एक्लिप्स हो गया, VS कोड और एटम हो गया, लेकिन मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्म्स हमारी होते क्या हैं, ये हमारे वेब पेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे यूज़र से इनपुट लेने के काम आते हैं। फॉर्म हमारे, आप किसी भी वेब पेज पर जाएंगे तो आप बहुत सारे फॉर्म्स देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले जाते हैं तो एक साइन अप फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके लिए फिर जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के लिए भी एक फॉर्म होता है, एक फीडबैक फॉर्म होता है, क्वेरी फॉर्म होता है, बहुत सारे के फॉर्म होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अगर हम गूगल पे ही जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल में हम गए, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो ये भी एक तरह का फॉर्म ही है। हमें जो भी चीज़ सर्च करी और यहाँ पे सर्च किया तो क्या होता है, जो हम डाटा भेजते हैं ये जाता है सर्वर के पास और इस जो आपने स्ट्रिंग भेजी है उससे मैच करते करते जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने ले आता है। तो एक तरह से फॉर्म ही, क्योंकि ये हमसे डाटा इनपुट ले रहा है। तो चलिए आज हम फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास ये सारे हमारे टैग्स हमारे यूज़ होते हैं। एक तो होता है हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या बताता है कि हमारा जो वेब फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। इनपुट हमारे क्या बताता है कि यूज़र से इनपुट लेने के हम के लिए हम इनपुट टैग को यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट किस लिए यूज़ होता है, जैसे आपने कभी देखा हो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाते हैं, उसके लिए हम सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। फील्ड सेट क्या होता है, जैसे हमारा कोई फॉर्म है, बहुत बड़ा फॉर्म है, तो उसको हम टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके लिए हमारा फील्ड सेट का यूज़ होता है। और लीजेंड हम क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे अगर हमें किसी फॉर्म को एक हैडिंग देनी है, उसके लिए हम लीजेंड का यूज़ करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं और कोडिंग करके देखते हैं फॉर्म बनते कैसे। तो सबसे पहले हमने टाइटल चेंज कर दिया फॉर्म्स। नाउ चलिए अब एक ही सबलाइम टेक्स्ट में ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट अपना टैग का नाम लिखिए और टैब दबा दीजिए, तो उससे क्या होगा, इसके आपका पूरा फॉर्म का फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्म में सबसे पहले हमने क्या डाला, लेजेंड। अब लेजेंड आ गया, लेजेंड में हमने क्या डाल दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम एक फील्ड सेट बनाते हैं जो कि हमें क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा इस फॉर्म को अलग अलग पार्ट्स में। अगर आप चाहें तो एक फील्ड सेट डाल सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। नाउ अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई इनपुट टैग डालेंगे। इनपुट किया तो हमारे पास देखिए दो एट्रीब्यूट्स आ गए, टाइप और नेम। टाइप हमारा क्या बताता है कि हम किस टाइप की एंट्री इसमें दिखाना चाहते हैं। हमारे पास कई टाइप्स की होती है, मैं आपको सारी एक एक करके दिखाऊंगा। टाइप हमारा टेक्स्ट होता है और नेम एट्रीब्यूट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी इनपुट में अगर नेम एट्रीब्यूट नहीं डालेंगे तो वो आपके सर्वर साइट पर जाएगी ही नहीं। मैं आपको भी आपको ये शो करके दिखाऊँगा ये कैसे काम करता है। तो नेम हमने क्या डाल दिया, एफ नेम। ओके, बी अटैक लगाया। बी अटैक इसके लिए होता है ब्रेक देने के लिए।
उसके बाद दोबारा इनपुट टैग डाला, रिपीट टेक्स्ट यहाँ पे कर दिया, लास्ट नेम फिर दोबारा दिया टैग, उसके बाद डाल दिया हमने इनपुट। अब कर देंगे हम सबमिट, इसका भी नेम क्या दे देंगे हम सबमिट। हमने इसको सेव किया, सेव किया, ये आ गया। अब अगर हमारा इसमें हमने क्या डाल दिया, ये और ये, ठीक है, और हम सबमिट, सबमिट में क्या हुआ, अब हमने कुछ डालना नहीं था तो ये डायरेक्ट इसी पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारा फॉर्म है, फॉर्म के हमारे दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है हमारा मेथड और एक होता है हमारा एक्शन। एक्शन हमें ये बताता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, कि फॉर्म हमारा कहाँ जाके सबमिट होगा। जैसे एक्शन ये हमारा ज़्यादातर सर्वर साइड में यूज होता है, तो अभी मैं एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। मेथड, मेथड हमारे इसमें दो तरीके के होते हैं, या तो पोस्ट या गेट। बाय डिफॉल्ट इसमें गेट होता है। जब भी हमारा आप गेट एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो जो हमारा डेटा होगा तुम्हारा वो सारा किस में जाएगा, आपके जो यूआरएल होता है उसके साथ क्वेरी में जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर हम उसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, तो सेव करते हैं, करते हैं इसको रिलोड किया। अब अगर हम सबमिट करेंगे, ये देखिए क्या हुआ। अब इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए ये क्या आया है, ये चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे आपके फॉर्म्स के अंदर क्या डाला था, ब्लैंक एंट्री डाली थी। ब्लैंक एंट्री मतलब जो करंट डायरेक्टरी होगी वो उसको खोलेगा, तो उसने सिंपल करंट डायरेक्टरी को यहाँ पे खोल दिया। अब करंट डायरेक्टरी मेरी कौन सी थी, होम थी, तो उसने सारे होम के सारे वो ले आए कि होम के अंदर हमारा क्या क्या है। ओके, जो हमारी बेसिक एंट्री थी, इसके अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इसमें आप पे जाके कुछ भी देख सकते हैं, ऐसे में तो कुछ नहीं। अब देखिए, अब हमारा डिफ़ॉल्ट गेट था, तो हमारी ये पूरी क्वेरी है ये हमारी कहाँ पे आ गई, आपके इसमें आई है यूआरएल में। अब अगर हम इसको मेथड को पोस्ट कर दें, पोस्ट में क्या होता है, हमारा जो सारा डेटा होता है वो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी में जाता है, जो हमारी रिक्वेस्ट यहाँ से जारी होती है। तो अब देखते हैं इसको अगर हम रीलोड करें और सबमिट करें, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आता, सारा हमारा कहाँ जा रहा होगा, बॉडी के अंदर जा रहा होगा। तो इसलिए ये होता है गेट और पोस्ट का वो। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सबमिट करने पर जो हमारा आउटपुट पेज खुल रहा है वो उसी पेज में खुल रहा है। अब अगर हम चाहें तो इसको अलग पेज में भी खोल सकते हैं, टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करके। टारगेट अगर उसका ब्लैंक रखते हैं, तो टारगेट ब्लैंक रख करके हमने सबमिट किया, रीलोड किया सबसे पहले, ताकि जो चेंजेस किया दे दीजिए। ब्लैंक हमारी एक जो नया टैब खुला उसके अंदर हमारा पूरा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अब ये फॉर्म हमारा ऐसे वर्क करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा इनपुट का। अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे नेम है, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारा नेम एट्रीब्यूट हमें डालना ज़रूरी होता है। अगर हमें नेम एट्रीब्यूट नहीं डालेंगे तो ये जो हमारे इनपुट स्ट्रिंग होगी ये हमारी आगे जाएगी इन सर्वर के पास। ये देखते हैं ये कैसे काम करती है। अब हमने नेम हटा दिया, नाउ अगर उसको डिलीट करते हैं,
अभी आपको ये दिखानी है, एक मिनट, और इसको हम यहाँ पे गेट कर देते हैं। गेट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सिर्फ एल नेम आया है, फर्स्ट नेम वाला आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट नेम में से हमने ये नेम हटा दिया था। तो हमें नेम हमारा डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नेम बगैर नेम के तो आपकी एंट्री आगे सर्वर के पास जाएगी ही। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट हमारा किस लिए होता है? आपने कभी देखा होगा कि कभी ड्रॉप डाउन आता है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। चलिए ताल लगा के देखते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट के जो हमारे इसके अंदर ही होते हैं वो होते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हम क्या डालते हैं? वैल्यू जो हमारी जानी होती है। इसे सेलेक्ट में हमने डाल दिया नेम कंट्री वैल्यू इक्वल टू इंडिया। ये मल्टीपल सेलेक्ट का भी ऑप्शन होता है, इस पर आप मल्टीपल जगह एडिट कर सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल दबा के कीजिए और आपको मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए इंडिया यूएसए रशिया। अब यूएसए में अगर हम सबमिट करते हैं, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जो सेलेक्ट है इसके अंदर नेम क्या डाली है? कंट्री। तो जब भी हमारी क्वेरी जाएगी तो वो कंट्री इज इक्वल टू जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। जैसे कि अगर हम डालते हैं यूएसए, सबमिट करी, तो देखिए एल नेम ये और कंट्री हमारी क्या आ गई? रशिया। अब अगर हम इस कंट्री को इंडिया कर दें तो कंट्री इज इक्वल टू इंडिया। तो ऐसे हमारी ये क्वेरीज जाती हैं। अब हम देखिए यहाँ पे सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही कंट्री दिख रही है एक टाइम पे। अब अगर हमें इसका व्यू बढ़ाना है, मतलब आप चाहते हैं कि एक टाइम पे आपको दो या तीन कंट्रीज दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइज एट्रीब्यूट लगाते हैं अपने सेलेक्ट में। सेलेक्ट में अगर हमने यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट लगा दिया 3। ओके, उसके बाद देखते हैं क्या चेंज हुआ है इसके अंदर। अब ये देखिए हम यहाँ पे तीन तीन देख सकते हैं। ऊपर नीचे, ओके। अब अगर हम, अब आप ये चाहते हैं, अब देखिए इसके अंदर हम दो इकट्ठे एक बार में सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र है वो इसमें से दो सेलेक्ट कर ले, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे साइज में यहाँ पे क्या लगा देंगे, मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अब आप यहाँ पे कंट्रोल करके बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। अब अगर सबमिट क्वेरी करते हैं तो ये देखिए कंट्री इक्वल टू इंडिया, कंट्री इक्वल टू यूएसए, कंट्री इक्वल टू रशिया, कंट्री इक्वल टू बांग्लादेश। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट। नाउ अब आगे हम क्या पढ़ेंगे अपना, ये मल्टीपल हो गया। हाँ, अब देखिए आप देख रहे हैं जैसे कि ये देखिए कोई भी अभी यहाँ सेलेक्टेड नहीं है डिफॉल्ट। अगर आपको कोई सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, रशिया
सेलेक्टेड कर देंगे टूल, ये देखिए रशिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका रशिया सिलेक्टेड है। तो इसलिए हम सिलेक्टेड की मदद से कोई भी चीज़ को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो होती है डिसेबल्ड और रीड ओनली एट्रीब्यूट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर इसको हमने कर दिया डिसेबल्ड, ये कर दिया रीड ओनली। वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अगर अपने फॉर्म में अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी हो तो, अब देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए हम रीड ओनली और डिसेबल दोनों में ही हम अपने यहाँ इसको इनपुट को चेंज नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो वो ये अलग अलग बनाए क्यों। अब देखिए मैंने ऊपर वाले को क्या कर रखा है डिसेबल्ड और नीचे वाले को क्या कर रखा है रीड ओनली। अब डिसेबल्ड करने के लिए, डिसेबल करने का हमारा मेन मकसद यही होता है कि जब हम सबमिट करते हैं तो हमारी ऊपर वाली फील्ड जाएगी नहीं, बस नीचे वाली फील्ड जाएगी। देखते हैं सबमिट करके क्या होता है। ये देखिए एल नेम और कंट्री, आपकी ये गई नहीं ऊपर वाली। आइए इसको चेंज करते हैं। अब अगर हम इसको डिसेबल्ड हमने इसको कर दिया, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये डिसेबल हो गया, इसको हम चेंज कर सकते हैं चेंज। अब देखिए सबमिट करते हैं तो क्या होता है, एफ नेम आया और कंट्री आई, एल एन नहीं है, एल एन क्योंकि हमारे क्या था डिसेबल्ड था। लेकिन अगर रीड ओनली होता तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन ये आपकी रिक्वेस्ट के साथ इसकी एंट्री जाती है। ओके तो अब हम अपना एक दूसरा भी देखते हैं, उसे कहते हैं हम इनपुट का एक टाइप और होता है, वो होता है रेडियो। इनपुट टाइप रेडियो, नेम में क्या रख देंगे जेंडर। ओके वैल्यू मेल मेल। अब बीआर टैग लगाया, अब नेम तो हमारा क्या हो गया जिस नाम से क्वेरी जाएगी, और वैल्यू हमारी वो होगी जो उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारा की वैल्यू पेयर बनता है उस हमारी की तो होगी हमारी जेंडर, लेकिन जो वैल्यू होगी वो हमारी उस पे अकॉर्डिंग होगी जो वो बंदा सिलेक्ट करेगा। ये देखिए ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको फीमेल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, लेकिन वही अगर मैं मेल करता हूँ तो जेंडर इज इक्वल टू मेल। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि फॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं। तो अगली बार जब भी आप अगर कोई फॉर्म भरते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो गेट रिक्वेस्ट में जाएगा पोस्ट रिक्वेस्ट में। अगर गेट रिक्वेस्ट में होगा तो आपको अपनी जो URL होती है उसके अंदर अपना सारा डेटा दिख जाएगा। हम पोस्ट मेथड इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा डेटा है वो सबके सामने रिवील ना हो। जैसे अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम फॉर्म के थ्रू भर रहे हैं, जैसे कोई पासवर्ड हो गया, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं।
नाउ अब हम क्या देखते हैं इसको, एक होता है जैसे एक सबमिट होता है वैसे ही हमारे क्या होता है रीसेट टाइप होता है, सॉरी टाइपो। रीसेट क्या करता है, आपका पूरे फॉर्म को रीसेट कर देता है या ब्लैंक कर देता है। ओके अब अगर हम उसको रीसेट किया तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, ये भरा था, हमने इसको रीसेट कर दिया तो वो अपने वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट था, इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं था तो वो डिफ़ॉल्ट था ही नहीं। ओके सो आज के ट्यूटोरियल में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा फॉर्म्स के बारे में, कि फॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ फॉर्म वर्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।